टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम लोग अपनी अगली क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42% और 445 माइनस 25% ऑफ 354। तो 445 मल्टीप्लाइड बाई 42 अपॉन 100 है, माइनस 354 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100 है। तो जैसे हम लोग परसेंटेज सॉल्व करते हैं, किसी का परसेंटेज निकालते हैं कितने प्रतिशत दिया हुआ है, उसी तरह हम लोग इसे भी करेंगे। तो जब हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 186.9 आएगा और इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 88.5 आएगा। तो इन दोनों को माइनस करने पर हमारा 98.4 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/15 ऑफ 4/8 ऑफ 3/7 ऑफ 1680 इज इक्वल टू x। तो x मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, a b c y z कुछ भी मान लो, आपको उसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास यहां 3 है, 3 से हम लोग 15 काट देंगे 5 बार में। ठीक है, 3 से 15 काट देंगे 5 बार में, 4 से 8 काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 कट गया, बचा कितना हमारा, बचा हमारे पास कितना, 1680 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1680 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। ठीक है, 1680 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, 1680 मल्टीप्लाई अपॉन 5 इंटू 7। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, 3 बार में काटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, बचेगा 1 बचा, ये 18 हो गया। तो फिर से हम लोग 3 बार में काट देंगे, यहाँ 18 से कटा तो 15 गया, 3 बचा और 0 है, 30 है। तो 5 के टेबल में 36 बार में आता है। ठीक है, 5 के टेबल में 36 बार में आता है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 336 अपॉन 7। और 7 से इसको काटेंगे तो 7 4s are 28 होता है 33 में 28 गया तो हमारे पास 5 बचा, 5 और 6 56 होता है, तो 7 8s are 56। तो हमारा आंसर जो है वो 48 आ जाएगा, हमारा आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है 12/17 ऑफ 25% ऑफ 1020 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है मगर है नहीं, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास 12/17 मल्टीप्लाइड बाई 1020 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो 1/4 कहाँ से आ गया, 25% का मतलब बच्चों 1/4 होता है। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो हम लोग सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज को देखेंगे। तो यहाँ 25 का मतलब होता है 1/4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 4 से इसको काटा, 4 2s are 8 होता है। यहाँ बचा कितना, 2 बचा, 2 और 2 मिलके 22 होता है, 22 मतलब 5 बार में जाएगा, 22 मतलब 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा 20, फिर 2 बचा तो फिर से 5 बार में जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, 12/17 मल्टीप्लाइड बाई 255 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू बची। तो अगर हम लोग 17 से 255 को काटेंगे, 17 से 255 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 17 से 255 को काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। अब 12 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 आता है, 12 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 180 आता है, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू x। तो हमारी x की वैल्यू बच्चों, हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो 60 आएगी, हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो 60 आएगी। ठीक है, समझ में आया कैसा हुआ, चलिए अगला देखते हैं। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है, रूट में है क्वेश्चन। ठीक है, रूट 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 150 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s are 20 0, 2 कैरी, 5 5s are 25 प्लस 2 27, तो हमारा 270 आ गया।
यहाँ हम लोग 150 रखे हैं और 21 रखे हैं, तो इन सबको ऐड करने पे हमारा 441 आएगा जो कि रूट में है। तो बच्चों हमने पहली क्लास में ही बताया था कि आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, बिना स्क्वायर याद किए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ रूट 441 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा 21 वैल्यू आ गई, मगर यहाँ स्क्वायर है, तो हम लोग अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर कटेगा और यहां रूट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां 27 टू द पावर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 27 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 27 टू द पावर x है। इंडाइसेस के लॉ पढ़ाए थे, इंडाइसेस के लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। 27 हम कॉमन ले लेंगे, 27 कॉमन ले लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो हमने बताया था कि जब नंबर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग 27 1.5 प्लस 3.5 करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आएगी 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x टू द पावर 4/5 अपॉन 36 इज इक्वल टू 9 अपॉन x टू द पावर 1/5। बच्चों यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो x टू द पावर 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, इसको सॉल्व किया तो x टू द पावर 1 आएगी। आगे देखते हैं, 36 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 324 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, 5/8 और 4/9 और 3/5 और 222 मींस 222 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 222। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इस तरह करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने किया 3, 3 से 3 9 को काटा 3 बार में, 3 से 9 को काटा 3 बार में, यहां 5 से 5 कट जाएगा, यहां 5 से 5 कट जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, यहां 2 से काटा तो 111 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, बचा जो हमारा 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 9 11 में से 9 गए तो हमारे पास 2 बचे, तो 21 3 से 21 को काटेंगे तो 7 बार में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 37 हमारा आंसर कितना आएगा, 37। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 56% ऑफ 450 प्लस x इज इक्वल टू 300। ये भी परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 450 मल्टीप्लाइड बाई 56 अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 300, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां से हमने जीरो काटा, 45 बचा, 45 बचा, 45 इंटू 56 करेंगे और यहां से तो 25200 आएगा, 25200 आएगा, 00 आएगा, तो हम यहाँ से जो जीरो बचा उसमें से एक जीरो काट देंगे। आगे हमारे पास प्लस x इज इक्वल टू 300 है, तो ठीक है देखते हैं, 300 माइनस 252 करेंगे, 252 क्योंकि ये जीरो हमने काट दिया था, ठीक है काट दिया था, तो हमारे पास 252 बचा। अब 300 में से 252 गया तो हमारे पास आंसर 48 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंडाइसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो 21 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 21 टू द पावर 66.5 इज इक्वल टू 21 टू द पावर 12.4। तो यहाँ जो x की वैल्यू है हमें वो निकालनी है, तो अगर हम लोग इज इक्वल टू के इधर ले जाते हैं और मल्टीप्लीकेशन में है वैल्यू, तो इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाती है, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाती है, तो डिवीजन जब करेंगे 22 अपॉन 22 करेंगे तो हमारा जो पावर होगा वो माइनस हो जाएगा, इंडाइसेस का लॉ यही कहता है। तो 12.4 माइनस 6.5 करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 5.9 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.643
बार इनटू अ फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.643 अपॉन बार, दस दोनों तरफ हम लोग 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1000 का मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद तीन वैल्यू दी हुई है, पॉइंट के बाद तीन वैल्यू दी हुई है। अगर टू वैल्यू होती तो हम लोग 100 करते, वन वैल्यू होती तो 10 करते, मगर यहाँ तीन वैल्यू दी है तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 1000x इज इक्वल टू 643.643x हो जाएगा। यहाँ पे 999x इज इक्वल टू 643, x की वैल्यू हमारी 643 अपॉन 999, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 6432 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 12, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। 6432 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12, जब 8 से इसको काटेंगे और 12 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी 67 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 337 प्लस 146 मल्टीप्लाइड बाई 8, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 384 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर 3864 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अपॉन 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व कैसे करना है? सीधी सीधी बात है, सब कुछ आपके पास दिया हुआ है। 3.2 से अगर 6.4 का काटेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचा कितना, 12.5 बचा, और भी काटेंगे तो हमारे पास 20, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारे पास 21.25 आ गया। अब 21.25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42.5 अपॉन 12.5 आएगा, और इसको काट दिया हमारे पास तो 3.4 आएगा। सिंपल था, आगे देखते हैं, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 240, सो x इज मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 240, तो हमारा 100 जो है वो इधर चला जाएगा, हमारा 100 जो है इधर चला जाएगा। या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जीरो काट दिया, हमारे पास 10 बचा और 10 हम लोग इधर ले आए तो हमारे पास 2400 हो जाएगा। 2400 अपॉन जो हमारे पास ये 4 बचा है इधर जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा ना, तो डिवीजन होगा तो हमारे पास आंसर 600 आएगा। आगे देखते हैं, ये भी इंडाइसेस पे है, 10^150 डिवाइडेड बाई 10^146, डिवीजन है तो माइनस होगा पावर, डिवीजन है तो पावर माइनस होगा, माइनस किया तो 10^3, इसको ब्रॉड करना चाहते हैं तो 1000 लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं, 81 मल्टीप्लाइड बाई 81, 8 मल्टीप्लाइड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 इज इक्वल टू 9^ क्वेश्चन मार्क। तो हम जाते हैं 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 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 9 का स्क्वायर, सारे पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 896 मल्टीप्लाइड बाय 896 माइनस 204 मल्टीप्लाइड बाय 204। तो ये कुछ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर हम लोग सॉल्व करें या इसका फॉर्मूला देखें तो ए माइनस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी 896 प्लस 204 और 896 माइनस 204, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 1100 आया और इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 692 आया, मतलब 692 आया। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा 76,1200 आएगा, 76,1200 आएगा। आगे देखते हैं, 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 57 इंटू 43, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग वैल्यू डालेंगे, ए को हम लोग 57 मान लेंगे, बी को हम लोग 43 मान लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। आगे देखते हैं,
सिंप्लीफाई 81, सिंप्लीफाई 81 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81 इंटू ए 68, ये भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हम लोग 81 को a मान लेंगे, 68 को b मान लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। आगे देखते हैं, व्हाट इज द डिवाइजर इफ डिविडेंड इज 15968, क्वोशेंट इज 89 एंड रिमाइंडर इज 37। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, हमने पहली क्लास में पढ़ाया था फॉर्मूले के बारे में, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशेंट। तो हमारा डिविडेंड है 15968 माइनस 37 अपॉन 89, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास 179 आएगा, जो कि हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी इंडाइसेस पे है, 21 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 21 टू द पावर 6.5 इज इक्वल टू 21 टू द पावर 12.4। तो 21 टू द पावर x इज इक्वल टू, तो इधर से जब इधर जाएगा तो हमारा जो है वो डिवीजन में हो जाएगा, मगर पावर माइनस होगी, पावर माइनस होती है तो हमारे पास 5.9 आती है। आगे देखते हैं, 3 अपॉन 8 ऑफ 4 अपॉन 9 ऑफ 7 अपॉन 12 ऑफ 1080, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। हमने यहाँ 3 से काटा 9 को 3 बार में, 4 से काटा 8 को 2 बार में, 2 बार में, बाकी कुछ कटने लायक दिख रहा है, बाकी कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है। तो 12 से हम लोग 1080 को काटेंगे, 12 से हम लोग 1080 को काटेंगे, ठीक है, या 12 से नहीं भी काटते हैं, 12 से नहीं भी काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ 0 बचा, 540 बचा, 540 को 12 से काट सकते हैं, 550 को 12 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते, 12 के टेबल में पड़ी है, काट पीट के हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 105। चलिए आगे देखते हैं, 3 अपॉन 4 ऑफ 484 प्लस 5 अपॉन 6 ऑफ 366 इज इक्वल टू x। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने 4 से काट दिया, 4 से काट दिया, ठीक है, 4 से इसको काटा कितनी बार में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और यहाँ इसको काट दिया 6, 6 जा 36 और 6 1 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा 363 आएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 305 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 668 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 13। तो हम लोग पहले LCM लेंगे, LCM के बारे में भी मैंने पहली क्लास में बताया था, LCM लेंगे, 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 से 65 को काटेंगे, तो 5 1 जा 5 होता है, और 5 यहाँ 15 बचाओ, 5 3 जा 15 होता है, 3 2 जा 20, 13 2 जा 26 होता है। आगे देखते हैं, 13 से 65 को काटेंगे तो 13 5 जा 65 होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 50 होगा, यहाँ पे 13 है तो 13 5 जा 65 होता है, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, इन सबको ऐड करने पे 111 अपॉन 65 आएगा, और इसको सॉल्व कर दिया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगी। आगे देखते हैं, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.00016, एक्स इज इक्वल टू 0.00016 डिवाइडेड बाई 0.4, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.00004 आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे।